अस्सलामुअलैकुम, बिग स्टोरी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है आशिक शंसू। नाज़रीन, आज जो हमारा इंटरव्यू है वो जम्मू कश्मीर हाउसिंग सोसाइटी के जो उम्मीदवार हैं चौधरी शहजाद अहमद गोंदर, वारिस खान नियाज़ी, और जो जम्मू कश्मीर सोसाइटी के जो इलेक्शन हो रहे हैं उसमें जो इत्तेहाद ग्रुप है उसके सरपरस्त आला है मलिक कमर अब्बास खान साहब। तो आज हम इनसे पूछेंगे कि जम्मू कश्मीर सोसाइटी जो कि असद राज से दबो हाली का शिकार रही है और इसके जो मसाइल हैं जो कि तू हैं, कमेटियाँ आती रही हैं लेकिन अभी तक किसी भी जो मेम्बरान हैं उनके मसाइल हल नहीं हुए। तो ये अपने पहले जो इलेक्शन हुए उसमें भी वादे किए गए लेकिन मसाइल हल नहीं हुए। अभी सरदार सबीर मुमताज़ साहब की क्यादत में एक नया जो इत्तेहाद बना है इत्तेहाद ग्रुप के नाम से, उसमें उसके जो उम्मीदवार हैं आज हम उनसे पूछेंगे कि उनका अज़म क्या है, क्या वो मेम्बरान के मसाइल हल करेंगे या जिस तरह पहले वादा वाइज करके फिर जब नया इलेक्शन है नए मंशूर के साथ दोबारा मैदान में जो मेम्बर हैं जो कमेटी के लोग हैं वो आते हैं। जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। जी शहजाद अहमद गोंदर साहब, आप जम्मू कश्मीर सोसाइटी का इलेक्शन लड़ रहे हैं, इस हवाले से आप लोगों का मंशूर किया है और आपका मुस्तकबिल में इरादे किए हैं? अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मेरा नाम जी शहजाद अहमद गोंदल है, मैं वसीयत एग्जीक्यूटिव मेंबर इत्तेहाद ग्रुप में इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। इत्तेहाद ग्रुप के साथ मिलके हमारे चेयरमैन राना मोहम्मद इरफान साहब हैं, जनरल सेक्रेटरी सरदार सबीर मुमताज़ खान हैं, मेरे साथ सीनियर वाइस चेयरमैन वारिस खान नियाज़ी साहब बैठे हैं और मेरे लेफ्ट साइड पर मलिक कमर उमर अब्बास साहब हैं जो हमारे सरपरस्त आले हैं इस ग्रुप के। जो सब साहब ने सवाल किया कि इलेक्शन के हवाले से कि हमारा क्या हम करना क्या चाहते हैं, बात यह है कि हमारी सोसाइटी काफ़ी पुरानी सोसाइटी और हमें यहाँ पे काम करते हुए बड़ा अर्सा हो चुका है। तो उस सिलसिले में जो हालात हैं हमारे सेक्टर्स के जबू माली का शिकार हैं, वो खास डेवलपमेंट भी नहीं है। उसके अलावा मतलब अगर रेशन की तरफ आएँ तो पानी के मसाइल हैं, रोड्स के मसाइल हैं, सिक्योरिटी के मसाइल हैं, और अगर हम एफ सो ना किए हम जोन 4 जोन 5 की तरफ जाएँ तो पोजेशन के मसाइल हैं। तो हमने इनको फेस किया और इसी सिलसिले में हमने पार्टिसिपेट किया इस हवाले से कि हम कुछ कर सके अगर अल्लाह ने हमें मौका दिया और आप लोगों के वोट से हम कामयाब होंगे और आप लोगों के इत्माद से आप लोग इत्माद करें हम भी इंशाल्लाह, हम भाई अगर अल्लाह ने हमें मौका दिया तो हम मिलके इस सेक्टर के लिए जो हमसे हो सका, पहले भी तन मन दान से आते थे और आज भी आते रहे, हमारा भी दिल है कि हमारे सेक्टर की मतलब डेवलपमेंट अच्छी हो, लोगों को घरों के प्लाटों को पोजेशन मिले, जो बेचारे 25-30 साल से बैठे हुए हैं और उनको पोजेशन नहीं मिल रहा इसी उम्मीद पर वो बैठे हैं कि यार F16 की डेवलपमेंट हो जाए, KND की हो जाए, Zone 5 की, Zone 4 की, अभी G15-4 का थोड़ा सा एरिया और F15 एक्सटेंशन का एरिया है। तो जो हमारा ग्रुप बना है वो सब काम के लिए आए और काम करना चाहते हैं और आप लोगों की मदद चाहिए। आप लोगों आज हमारा इलेक्शन था 25 दिसंबर की डेट पहले अनाउंस थी लेकिन वो कोई कल कोई सिक्योरिटी के मामला की वजह से DC साहब ने आर्डर किया है, अगले एतवार 1 जनवरी को हमारा इलेक्शन इंशाल्लाह हो रहा है। और मेरी आप भाइयों से अपील है कि आप लोग इसमें भरपूर पार्टिसिपेट करें ताकि हम लोग आपके हक के लिए जंग लड़ सकें और जंग लड़ेंगे इंशाल्लाह अगर आपने हमें मौका दिया और आपने एतमाद किया। बहुत शुक्रिया सर। जी अब हमारे साथ मौजूद हैं वारिस खान नियाज़ी साहब जो पहली दफ़ा कमेटी का हिस्सा बनने जा रहे हैं और एक बहुत बड़े अज़म के साथ हुए हैं। तो हम वारिस खान नियाज़ी साहब से पूछेंगे कि उनका मुस्तकबिल में क्या इरादा है और वो क्या करने जा रहे हैं मेम्बरान सोसाइटी के हवाले से। जी वारिस खान नियाज़ी साहब। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद वारिस खान नियाज़ी है जी। मैं ना इस सोसाइटी का जी 2002 से मेम्बर हूँ जी और 2004 से जी मैं सेक्टर G15-4 में मेरी रहायश है जी। और हम देख रहे हैं जी ना इस सोसाइटी में जी बड़े मसाइल हैं रहायशियों के जी। इंशाल्लाह अल्लाह ने हमें मौका दिया जी, दाल ग्रुप को अल्लाह ने मौका दिया, हमारी टीम का लेक्टर किया जी, तो इंशाल्लाह हमारा फोकस होगा जी कि इसमें हमें सबसे जो बड़ा मसला है यहाँ पे पानी है, तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे जी पानी के लिए कोई ना कोई इसका हल निकालें और उसकी हम तकसीम मुनसिफाना बनाएं ताकि कम है अगर तो उसे भी हम आगे उसकी तकसीम मुनसिफाना हो। उसके बाद सिक्योरिटी के मसाइल हैं जी, सफाई सुथराई वो सारी चीज़ें पिछले 15-16 साल से मैं खुद फेस कर रहा हूँ जी, फैमिली के साथ रह रहा हूँ। तो इसके अलावा जी मुझे F16 का भी अंदाज़ा है कि 2004-5 से हमारे वो भी भाई हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह ताला इसके लिए भी कोई एक तकड़ी मजदूर पॉलिसी बनाएंगे। Zone 5 है, Zone 4 है, कश्मीर मॉडल टाउन हमारा एक पुराना प्रोजेक्ट है, तो इंशाल्लाह अल्लाह ने मौका दिया था इंशाल्लाह बेहतर। जी नाज़रीन, हमारे साथ मलिक कमर अब्बास अफगान साहब मौजूद हैं जो सरपरस्त आला हैं इत्तेहाद ग्रुप जम्मू कश्मीर हाउसिंग सोसाइटी के। मलिक साहब से पूछेंगे कि वो जो इत्तेहाद ग्रुप की सरपरस्ती कर रहे हैं और मलिक साहब ने जो ग्रुप तश्कील दिया है, मलिक साहब इस ग्रुप से किस हद तक मुतमिन है, और मलिक साहब से हम ये भी पूछेंगे कि वो आगे मुस्तकबिल में इनके जो इत्तेहाद ग्रुप है उसका क्या मकासद है और वो किस हद तक जो आवाम के मसाइल जो मेम्बरान के मसाइल हैं वो हल करने में कामयाब हो जाएंगे। जी मलिक कमर अब्बास अफगान साहब। जी
जी बहुत शुक्रिया आशिक सनसल साहब, आपने शुक्र गुजार है कि आपने मौका दिया। और इंशाल्लाह ताला जो इस वक्त हमने ये कमेटी बड़ी सोच समझ के बाद ये तश्कील की है, जिसमें पहले भी मैं आपको आलोच करवा चुका हूँ कि ये हमारे राना इरफान साहब और सरदार सभी मुमताज खान साहब की जेर सरपरस्ती ये जो कमेटी तश्कील दी गई है, इसमें आज तक जितनी भी कमेटियाँ तश्कील दी गई वो जम्मू कश्मीर के साथ वो इतने ज़्यादा रिलेटेड लोग नहीं थे, आते रहे और जाते रहे। अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा 7 अफराद जो है इस कमेटी के वो यहाँ के प्रॉपर रहशी हैं और यहाँ पे वो 18-20 साल से यहाँ पे इसके साथ ही रिलेटेड है। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि यहाँ पे रहने वालों का ये राइट है कि वो इस सेक्टर की बेहतरी के लिए ज़्यादा सोच सकते हैं, समझ सकते हैं और उसके मसाइल को समझते हुए वो हल भी करवा सकते हैं। तो इंशाल्लाह ताला ये बड़ी अच्छी कमेटी तश्कील की गई है, आप इसको सपोर्ट करें, इत्तेहाद ग्रुप को वोट दें, कामयाब बनाएं और इंशाल्लाह ताला उसके बाद ये कमेटी आपके एतमाद पे पूरा उतरे। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हम चौधरी शहज़ाद अहमद गोंदल से भी दोबारा ये क्वेश्चन करेंगे कि पहले भी वो कश्मीर मॉडल टाउन चक्री के चेयरमैन रहे हैं, अभी फिर अल्लाह ताला के फजल व करम से वो एग्जीक्यूटिव मेंबर की सीट पर इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, तो हम जो शहज़ाद अहमद गोंदल से पूछेंगे कि अगर उनको दोबारा कश्मीर मॉडल टाउन चक्री का चेयरमैन बनाते हैं कमेटी के जो इंतजामिया के लोग हैं, तो वो किस हद तक डिलीवर करेंगे, और जो सबसे बड़ा इशू है जो डेवलपमेंट चार्जेस लगाए गए हैं उस हवाले से भी हम शहज़ाद अहमद गोंदल से पूछेंगे कि आपका इस हवाले से क्या मेम्बरान को फैसिलिटेट करने के लिए इरादा है। जी बहुत बड़ी बात यह है कि मुझे पहले भी मौका दिया था कि चेयरमैन कश्मीर मॉडल टाउन चक्री रोड और एफसोना के हवाले से, तो मेरे पास टाइम भी कम था और हमारी कमेटी के पास भी टाइम कम था, पूरी कोशिश की थी और उसके अलावा पूरा मैंने अपने लिहाज से जो भी मेरे से हो सका मैंने किया, और मेरे साथ सरदार सुबीर मुमताज खान ने बड़ा मेरा साथ तावन भी किया, और वो हमारा वेब प्रोजेक्ट है जिसका LOP NOC पोजेशन ज़मीन हर चीज़ मौजूद है और बेहतरीन लोकेशन पर वो वाक़ है। जम्मू के सारे ही प्रोजेक्ट चाहे जोन 4 पे चले जाएं, चाहे जोन 5 है, चाहे ये G15 F15 F16 है, चाहे कश्मीर वाले सब बहुत अच्छी लोकेशंस पे हैं, और पिछले जो 3 साल थे उसमें कोशिश इन्होंने की थी काम करवाने की भी कोशिश की, वो हमने एक डेवलपमेंट भी शुरू करवाई। जो चार्जेस की आप बात कर रहे हैं, चार्जेस के बगैर सो साहब वो वहाँ पर डेवलपमेंट हो ही नहीं सकती, वजह ये थी कि वो 1989 का प्रोजेक्ट है, ओपन बिजली थी, ओपन सीवरेज, गलियों के मामला, अब देखें 30-35 साल वहाँ से गुजर गए हैं, तो उस सिलसिले में जो नॉमिनल चार्जेस लगाए थे, आप सराउंडिंग में देखें जो 7 वाली सोसाइटी है वहाँ पे 5 महीने का प्लाट इस टाइम 28-30 लाख में दिया जा रहा है, और हमारा आज भी 10 लाख के करीब है और विद पोजेशन है, तो उसमें डेवलपमेंट चार्जेस नॉमिनल लगे थे, डेवलपमेंट चार्जेस इतने ज़्यादा नहीं लगे थे। अब जैसे इंशाल्लाह दोबारा मौका हमें मिला तो हम इंशाल्लाह इस हवाले से ये है कि जो उसका टेंडर प्रॉपर जारी होगा और जो बेहतरीन कंपनी है उसको टेंडर दिया जाएगा, और इंशाल्लाह उस प्रोजेक्ट को अगर मुझे दोबारा साथियों ने इत्माद किया और इस तरह ये इलेक्शन जीत के आते हैं और कमेटी बनाते हैं तो इंशाल्लाह भरपूर किरदार अदा करूँगा इसके हवाले से, अफसोना के हवाले से भी और बाकी मादा प्रोजेक्ट के लिए। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ सिराज अहमद जोई साहब मौजूद हैं जो कि एग्जीक्यूटिव मेंबर के उम्मीदवार हैं, हम सिराज अहमद जोई साहब से भी पूछेंगे कि उनके क्या इरादे हैं और वो जो कमेटी का हिस्सा बने हैं वो मुस्तकबिल में क्या क्या करने जा रहे हैं, और जो सोसाइटी के मसाइल हैं उसमें उन मसाइल को हल कराने में वो किस हद तक कामयाब होंगे। जी सिराज अहमद जोई साहब, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, जैसा कि आपने बताया सिराज जो है अलहमदिल्ला इताल ग्रुप के साथ है और इताल ग्रुप से इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं, और मैं कुकुम से जीत हमारी इंशाल्लाह जीत हमारी है और इंशाल्लाह हम जीतेंगे, जितनी हम वर्किंग कर रहे हैं, जितनी हमारी कोशिश है हम अपने लिए नहीं कर रहे हैं, हम अपने जितने जम्मू कश्मीर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के जितने एफेक्टी हैं स्पेशली F16 जोन 5 KMT और F52 के जो LOP से बाहर लोग हैं, हम उनके लिए अपने लिए हम लोग भी सेक्टर में रहते हैं, ओवरऑल बाकी सेक्टर्स के अंदर भी हमारी प्रॉपर्टी है, तो हम एक कोशिश कर रहे हैं कि अल्लाह हमें इसमें कामयाबी दे, तो काम तो 3 साल वाला थोड़ा टाइम होता है, कोशिश करेंगे। लास्ट टाइम भी हमारी LC के कुछ दोस्त थे माशाल्लाह, सेक्रेटरी सरदार सबील साहब थे, उन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है, उनके साथ नबीर रवान साहब थे, उसैद बनोज साहब थे, और जो हमारे हिस्से के लोग थे अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है, और आज भी वो सेक्टर में है, लोग आज भी उनको दुआएं देते हैं, तो जो ओवरऑल हमें प्राइज जन मिली थी उनका हम कुछ नहीं कह सकते,
जो हमारे दोस्त हैं, जो हमारे पैनल के लोग थे, जो आज हम जिनकी सरपरस्ती में इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, वो अलहमदुल्ला उन्होंने पहले भी काम किया है 3 सालों में और अब भी करेंगे। और जो डिफॉल्टर लोग थे जो 25-30 साल से पिछली एमसीज में चलते आ रहे थे, उनसे उन्होंने मोर देन 80 से 90 बिलियन की रिकवरी भी की, उनको अडयाला भी भेजा, उनके साथ बार्गेनिंग भी की, हर लिहाज से उन्होंने पूरी कोशिश की और इंशाल्लाह अल्लाह के कुंसे वो हमारे लिए की थी उन्होंने। और अब इंशाल्लाह हम मिल के कोशिश करेंगे कि जम्मू कश्मीर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के जो 22 से 24 हज़ार मेंबर्स हैं, हम उनके लिए लड़े, हम उनके लिए काम करें और उनकी फलाह वबूद के लिए हम जितना कोशिश करेंगे बेहतर से बेहतर उससे काम करेंगे इंशाल्लाह। जी सर, सर जी, थैंक यू सर। सिराजुद्दीन जुजिया साहब, हम दोबारा वारिस खान रियाजी साहब से पूछेंगे कि अगर उनको कमेटी के अंदर कोई जिम्मेदारी मिलती है तो वो जो मेम्बरान के मसाइल हैं उनको किस हद तक हल करने में कामयाब हो जाएंगे। जी वारिस खान रियाजी साहब जी, इंशाल्लाह आशिक हुसैन साहब भाई, अल्लाह ताला अगर हमारे ग्रुप के इत्तेहाद ग्रुप को कामयाबी देता है तो मैं चाहूँगा इंशाल्लाह अपना, हमारे जो चेयरमैन है राना इरफान साहब, हमारे जो सेक्रेटरी हैं सरदार सभी मुमताज साहब, मेरी कोशिश होगी अगर वो मुझे असाइनमेंट ड्यूटी देते हैं तो मुझे G15 और F15 की रेजिडेंस की दें, क्योंकि मैं पिछले 15 साल से अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे फैमिली के साथ रहिश वदी हूँ और यकीन माने मुझे सारा पता है, मुझे एक एक गली एक एक नुक्कर का पता है कि हमारे क्या मसाइल हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह हमारा फोकस होगा हम ना यहाँ पे सिक्योरिटी के निज़ाम को बहुत तकड़ा बनाए, जो कि हमें मुझे पता है यहाँ पे मसाइल है सिक्योरिटी के, उसके अलावा सफाई के बहुत हमारे यहाँ पे शदीद मसाइल है। हमारे हर सेक्टर में पार्क्स हैं, वो कि छोटे पार्क हैं लेकिन पार्क्स अल्हम्दुलिल्लाह हैं, उन्हें इंशाल्लाह वहाँ पे हम अच्छी ग्रीनरी अच्छे पौधे लगा के वहाँ पे करेंगे। उसके अलावा जिस तरह मैंने पहले भी कहा है कि पानी के मसाइल हैं, लेकिन हमने ये देखना है जो भी पानी अवेलेबल है बेशक कम है, लेकिन इंशाल्लाह जो भी है उसकी हम मुनसिफाना तकसीम की मैं पूरी कोशिश करूँगा कि उसकी तकसीम बिल्कुल मुनसिफाना। और पार्क्स की मैंने बात की, पार्क में इंशाल्लाह ताला देखेंगे जी कोई, ये जिस तरह भी हमारे पास एक अच्छा ग्रीन बेल्ट पड़ा है सेक्टर G15 और F15 के दरमियान, इंशाल्लाह वहाँ पे हम अच्छा कोई कोशिश करेंगे वॉकिंग ट्रैक बनाए। और G15 के रहशियों के इंशाल्लाह जितने मसाइल हैं जी, मैं 15 साल से यहाँ पे रहता हूँ तो मेरी पूरी कोशिश होगी कि मुझे यही असाइनमेंट मिलेगी, यही ड्यूटी मेरे सेक्रेटरी और मेरे चेयरमैन दें और मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि अपने ही जो हमारे भाई बहन हमारे बड़े बुजुर्ग यहाँ पे रह रहे हैं मैं उनकी खिदमत करूँ इंशाल्लाह जी। अल्लाह ताला इत्तेहाद ग्रुप को कामयाबी दे। जी नाज़रीन, आपने जम्मू कश्मीर सोसाइटी के इलेक्शन हैं जो इत्तेहाद ग्रुप है उनके उम्मीदवारों की जो राय है वो आपके सामने हमने पेश की है, तो इंशाल्लाह ताला वक्तन-फवक्तन जो भी जम्मू कश्मीर सोसाइटी में कोई डेवलपमेंट होगी PM न्यूज़ की जो टीम है वो लम्हा बलम्हा अपने नाज़रीन को आगाह करती रहेगी। एक और बिग स्टोरी के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। अपने मेज़बान आशिक हुसैन साहब को इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।